पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर शिकंजा कसता जा रहा है। आज एनआईए और ईडी ने 10 राज्यों में पीएफआई के 100 से अधिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। दिल्ली में एनआईए ने पीएफआई के हेड परवेज आलम को गिरफ्तार किया। एनआईए और ईडी ने पीएफआई से जुड़े इन कार्यकर्ताओं को कथित तौर पर आतंकियों का समर्थन करने और धन मुहैया कराने के आरोप में गिरफ्तार किया है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या पीएफआई बैन हो चुके संगठन सिमी का ही नया रूप है, वही सिमी जो बाद में इंडियन मुजाहिदीन के नाम पर देश को कई बम धमाकों से दहला चुका है। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक पूरी जानकारी के लिए। स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी का गठन अप्रैल 1977 में हुआ। इसके फाउंडर थे मोहम्मद अहमदुल्ला सिद्दीकी, लेकिन माना जाता है कि सिमी को 1965 में बने प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी को ही नया रूप देकर बनाया गया। आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के कारण 2001 में भारत सरकार ने सिमी को प्रतिबंधित कर दिया था, लेकिन 2008 में यह प्रतिबंध हट गया। प्रतिबंध हटने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिली और कुछ दिनों बाद ही दोबारा सिमी को प्रतिबंधित कर दिया गया। 2001 में सिमी पर प्रतिबंध के बाद सिमी ने अपने नापाक खेल को आगे बढ़ाने के लिए एक नया संगठन बनाया, इंडियन मुजाहिदीन। इस संगठन पर देश के कई शहरों में बॉम्ब ब्लास्ट करने का आरोप है। साथ ही कहा जाता है कि आईएम के सभी संगठन स्लीपिंग मॉड्यूल के तहत काम करते हैं। वैसे तो पीएफआई 2006 में बना था 3 मुस्लिम संगठनों को मिलाकर। इस संगठन का दावा है कि देश के 22 राज्यों में उसकी उपस्थिति है। पीएफआई ने अपना एक राजनीतिक दल भी बनाया, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई। एसडीपीआई ने 2018 तक स्थानीय निकाय की 121 सीटों पर चुनावी जीत हासिल की थी। उसे अभी तक संसदीय या विधानसभा चुनावों में जीत नहीं मिल पाई है, लेकिन जानकार मानते हैं कि पीएफआई दरअसल सिमी का ही आधुनिक रूप है। इस बात की तस्दीक केरल की सरकार ने भी किया था। ।2012 में केरल के मुख्यमंत्री उमान चांडी की अध्यक्षता वाली कांग्रेस सरकार ने केरल हाईकोर्ट को बताया था कि पीएफआई भी सिमी के जैसा ही ऑर्गेनाइजेशन है। सरकार ने कहा था कि पीएफआई के कार्यकर्ता राज्य में 27 हत्या के मामलों में शामिल रहे हैं। इसके 2 साल बाद 2014 में केरल सरकार ने अपने हलफनामे में केरल हाईकोर्ट को बताया था पीएफआई का गुप्त एजेंडा इस्लाम के लाभ के लिए धर्मांतरण, मुद्दों के सांप्रदायिकरण को बढ़ावा देकर समाज का इस्लामीकरण करना है। हलफनामे में दोहराया गया कि राज्य में सांप्रदायिक रूप से प्रेरित 27 हत्याओं, 86 हत्या के प्रयास के मामलों और सांप्रदायिक प्रकृति के 106 मामले में पीएफआई के कार्यकर्ता शामिल थे। जिस तरह सिमी अपना रूप बदलकर इंडियन मुजाहिदीन हो गया, उसी तरह जानकार मानते हैं कि इंडियन मुजाहिदीन ही अपना रूप बदलकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम से काम कर रहा है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।